दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है स्वाति कुकरी शो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट टी टाइम स्नैक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मेरा तो सबसे फेवरेट टी टाइम स्नैक है समोसा। मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को समोसा बहुत फेवरेट होगा, बहुत पसंद होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजाबी समोसे की रेसिपी। इसे बनाना बड़ा ही आसान है, बस इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती है बनाने की। अगर वो आपको पता हो तो आप परफेक्ट समोसा बना सकती हैं। और पंजाबी समोसा तो बड़ा ही बढ़िया होता है, रिच इन फ्लेवर एंड रिच इन इंग्रेडिएंट। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे। अब सबसे पहले तैयारी करते हैं अपने समोसे की कवरिंग की। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg मैदा और इसमें डालूंगी मैं 1 teaspoon सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा कर लीजिए। इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 teaspoon अजवाइन और इसमें मोन लगाएंगे देसी घी का। भाई पंजाबी समोसा है तो मोन तो देसी घी का ही लगेगा। और इसको गूथने के लिए मैं यूज़ करूँगी चिल्ड वाटर। अब सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे, अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश कर लेंगे। इस तरीके से क्रश करने से अजवाइन का अच्छा सा एरोमा रिलीज हो जाता है। देखिए क्या बढ़िया सा एरोमा रिलीज हुआ है। अब इसमें हम 5 से 6 teaspoon घी डाल देंगे। इसके लिए मैंने गर्म घी नहीं लिया है। इसके लिए गर्म घी नहीं लेना है, मेल्टेड घी लेना है, मगर घी गर्म नहीं होना चाहिए। अब इस घी को अच्छे से इस मैदे में इनकॉर्पोरेट करेंगे। हाथ से अच्छे से रगड़ते हुए इसको हम इस मैदे में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। हाथ से इस तरीके से मलते हुए हमने जितनी भी इसमें घी की गोलियां बन गई हैं आटे में, उसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे ताकि वो जब हम तलें तो वो हमारे तेल में ना फूटे और ये मोन भी अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। हमारा मोन इसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया है, एकदम सैंडलेस टेक्सचर बन गया है। चलिए अब हम इसको गूथना शुरू करते हैं। अब हम अपने मैदे को गूथ लेंगे। मैदा गूथने के लिए मैंने एकदम ठंडा वाटर लिया है फ्रिज का। अब इससे हम धीरे धीरे पानी इनकॉर्पोरेट करते हुए इसको अच्छे से गूथ लेंगे। धीरे धीरे पानी इनकॉर्पोरेट करेंगे हमको, किसती हमें धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ढीला ना हो जाए। हमको मठरी की तरह सख्त नहीं, मगर पूरी से हल्का सा सख्त मारना है इस आटे को। देखिए हमारा सख्त आटा गूंथ गया है। मैंने 500 की बॉटल पानी लिया था और लगभग मैंने 125 ml वाटर को यूज़ किया है। हमने मैदा गूंथ लिया है, अब इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से गूंथेंगे ताकि हमारा मैदा नरम हो जाए। और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 बॉयल पोटैटो, 1 medium size का टोमेटो। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर ना यूज करना चाहे तो बिल्कुल मत यूज करिए, मगर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे मैंने ली है 2 green chili, क्योंकि हम आप इसकी भी मात्रा अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली योर अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें हम रेड चिली भी डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इसके मसालों में क्या क्या पड़ेगा मैं बताती हूँ। इसमें डालेंगे हम जीरा, धनिया, इसमें मैंने डाल लिया है 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, इसमें मैंने लिया है गरम मसाला 1 teaspoon, इसमें मैंने इसका जो इस जो पंजाबी मसाला जो पंजाबी समोसों को और समोसों को एकदम डिफरेंट करता है वो है अनारदाना पाउडर, ये मैंने लिया है 1 tablespoon, और मैंने लिया है 1/2 teaspoon मैंने लिया है इसमें टर्मरिक पाउडर, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, ये मैंने 1 teaspoon लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। और चलिए इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 teaspoon, एकदम पंजाबी टाइप का, एकदम बढ़िया सा रिच इन फ्लेवर एंड रिच इन इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें हम डालेंगे काजू, ये मैंने लिए हैं 2 tablespoon काजू, और ये मैंने लिए हैं 2 tablespoon किशमिश ली चाट मसाला, और मैंने लिया है ये पनीर। इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। टमाटर को भी छोटा छोटा काट लेना है, फाइन चॉप कर लेना है, उनको मैश कर लेना है। इस तरीके से हम अपने आलू मैश कर लेंगे और हम अपने ग्रीन चिलीज को भी फाइन चॉप कर लेंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें 1 teaspoon घी गरम करेंगे, उसमें काजुओं को हम फ्राई कर लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे काजुओं को। इसमें हम किशमिश को भी 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमने अच्छे से पका लिया, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा घी डाल के पनीर को फ्राई करेंगे। इसमें हम पनीर को थोड़ा सा कल्हा लेंगे ताकि पनीर में एक अच्छा सा एरोमा ऐड हो जाए। इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए हमें पनीर को पका लेना है। अब हम पैन में लगभग 2 teaspoon घी ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा को हम तब तक पकाएंगे जब तक अच्छे से क्रैकल की साउंड नहीं आने लगती है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को भी हम थोड़ी देर पका लेंगे।
अब इसमें हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। अब इसमें टोमेटोज को जो ऐड करेंगे, अब इन टोमेटोज को हम थोड़ी देर पका लेंगे। अभी ना टोमेटो को इसमें ऐड करेंगे, मैं आधा सॉल्ट अभी ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड करने से हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। अब हमें टमाटर को थोड़ी देर पका लेना है। इसमें पोटैटो ऐड कर देंगे। अब पोटैटो ऐड करने के बाद हमें अपने मसाले को अच्छे से पकाना है, बढ़िया से कलारना है, कम से कम 7 से 8 मिनट। इसमें मैं ऐड करेंगे अपने सारे मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, सब ऐड करने के बाद अब कम से कम 6 से 7 मिनट एकदम धीमी आंच पर इसको अच्छे से कलारेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से कलर। अब इसमें हम अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाना ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से कलारेंगे। अब फिर हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और इसमें अब हम थोड़ा ऐड करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट। इसमें जो हमने कलार के जो काजू और किशमिश और पनीर रखा था वो ऐड करेंगे। अब अपने आलू के साथ सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम लो फ्लेम पर हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इनको कलारेंगे। इस तरीके से कलारने से हमारे आलू में एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होता है जो इन समोसों को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। मैंने जो समोसे की पट्टी का आटा लगाया था वो एकदम तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। मसलने के बाद इससे हम काटेंगे लोइयां। इस तरीके से बढ़िया से करने के बाद इससे हम लोइयां काटेंगे। हमको बहुत छोटी लोइयां नहीं काटनी है, मीडियम साइज की लोइयां काटिएगा क्योंकि हमें 1 पूड़ी से 2 समोसे बनाने हैं, उसको आप देख के बनाइएगा। अब हम इससे एक ओवल शेप की पूड़ी बेल लेंगे। ये मैंने एक ओवल शेप की पूड़ी बेल ली थी, उसे मैंने हाफ कट कर लिया है। ये हमारे समोसे की फिलिंग भी एकदम बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। अब हम हाफ पूड़ी में लगाएंगे पानी और इस तरीके से टक करते हुए कोन बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फिलिंग। फिलिंग आप अपने अंदाज से डालिए और इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि जो अंदर की तरफ जो खोखला पोर्शन होगा उसमें फिलिंग भर जाए। अब एजेस में पानी लगाइए और एक इस तरह से प्लेट बनाते हुए जो जोड़ लगाया था पोर्शन उसको हल्का सा पुल करते हुए आप उधर से सबसे पहले मिड आप चिपकाइए, फिर सारी एजेस से सील कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे से सील कर दीजिए ताकि हमारा समोसा फटे नहीं। और इस तरीके से बनानी है हमें समोसा महाराज की बैठक। बैठक बनाना, समोसे महाराज की एक बैठक बनाई जाती है, एक ट्रेडिशन है और ये तलने में भी हेल्प करता है। देखिए ये हमारा समोसा अब लुढ़क नहीं रहा है, ये ना केवल जब हम तलेंगे तो एक जगह अच्छे से बैठेगा बल्कि एक अच्छे से शेप भी होल्ड करेगा। चलिए इस तरीके से मैंने समोसा बना लिया है। मैं अब आपको एक और समोसा भर के दिखाती। देखिए इस तरह हाफ पूड़ी में हम लगाएंगे वाटर। अब एक फिंगर उसके नीचे रखते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए थंब से प्रेस करते हुए हम इस एजेस को धीरे धीरे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से धीरे धीरे सील कर देंगे। अभी हमने देखिए अच्छे से सील कर दिया है, नीचे एक फिंगर का हमने सपोर्ट दिया है, ये परफेक्ट कोन बन गया है। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग डालने के बाद हम इसको बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल आहिस्ता धीरे से पुश करेंगे। अब इसके बाद हम ये देखिए ये जो बीच में हमने सील किया पोर्शन था ये हरदम जब भी आपको फिल करना है तो अपनी तरफ रखना है। अब एजेस में लगाइए वाटर और बीच वाले जोड़ को हल्का सा पुल करते हुए पहले वहां से टक कीजिए फिर सारी एजेस टक कीजिए। आप इस तरह से यहाँ पे बीच में प्लेट बनाइए। ये प्लेट बनाने से हमारे समोसे को परफेक्ट शेप मिलती है और इसकी बढ़िया सी हमारे समोसे महाराज की बैठक बन जाती है। अब हमने अपनी कढ़ाई गरम कर ली है। देखिए इसमें तेल हमको मीडियम गरम करना है। इसको आप कैसे पता करेंगे, देखिए आप आग अगर ऑयल के नीचे देखिए आपको लगेगा कि जैसे हल्की हल्की लेयर्स आ रही हैं और उसमें छोटा सा टुकड़ा डालिए, देखिए एकदम से ऊपर आ गया, हमारा ऑयल एकदम तैयार है। हमें अपना ऑयल बहुत गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है। अब इसमें हम धीरे धीरे इसे पर समोसों को डालेंगे। मैंने अपनी कढ़ाई में लगभग 1 लीटर ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिया है ताकि आपको ऑयल इतना लेना है कि उसमें समोसे अच्छे से डूब जाएं, क्योंकि अगर ऑयल कम होगा तो समोसे पकेंगे नहीं। अब आपको मैं बताती हूँ समोसे पकाने की अच्छी सी टेक्नोलॉजी। देखिए आप समोसे को अगर आप तेज हीट में डाल देंगी तो उसके ऊपर जो पापड़ी है उसमें फफोले पड़ जाएंगे और वो बढ़िया से क्रिस्प नहीं होगी। तो क्रिस्पी पकाने के लिए आपको उनको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और बड़े ही आहिस्ता से पकाना है। अब इन समोसों को हम करेंगे टर्न। इनको बहुत धीरे धीरे टर्न कीजिएगा।
शुरुआत में ज्यादा बार बार नहीं चलाना है जब तक कि थोड़े से रेडिश ना हो जाए। देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे से ब्राउन पक गए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर और ब्राउन कर लेंगे। ये आपके अकॉर्डिंगली है कि आप कितना इनको पकाना चाहते हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। हमारे समोसे एकदम परफेक्टली तैयार हो गए हैं। ये लीजिए हमारे पंजाबी स्टाइल के बढ़िया से समोसे, क्रिस्पी समोसे एकदम तैयार हो गए हैं। इसको मैंने सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ, क्योंकि दिल्ली में तो पंजाबी स्टाइल के समोसे टोमेटो सॉस के साथ ही सर्व किए जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।